आज हम लोग बना रहे हैं प्याज की पकौड़ी। तो प्याज की पकौड़ी बनाने के लिए हम लोग ले लेंगे ऐसा प्याज बारीक काट के ले लेंगे और खरी प्याज काट के ले लेंगे और धनिया पत्ता जिसको हैदराबाद में कोतमीर बोलते हैं और ऐसे प्याज काट के ऐसे पूरा एक बाउल में ले लेंगे। आप भी मिर्ची और धनिया भी ले लेंगे। गाइस इसमें आपको साबित धनिया भी भिगो के डालना है। ये दीजिए, इसको कुमिन बोलते हैं इंग्लिश में। हम लोग इसको भी यहाँ पे भिगो पे डालेंगे। अभी अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं हम लोग और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। ये रहा, हम लोगों ने नमक ऐड किया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं हम लोग और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। ये रहा, हम लोगों ने नमक ऐड किया है। ओके, अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे पूरा। जब तक हम लोग वो मिक्स करके रख दिए तो हम लोग ने एक मतलब गैस पे कढ़ाई में ऑयल रख दिया है पूरा हीट होने के लिए, क्योंकि ऑयल हम लोगों का पूरा गर्म होना पड़ेगा इस ऑयल को, अदरवाइज नहीं तो पकौड़े अच्छे से नहीं फ्राई होंगे। गाइस इसमें हम लोग चने का आटा, ये देख रहे हैं हाथ में, इसको हम लोग मिला के पूरा मिक्स कर लेंगे। इतना नहीं और ज्यादा डालेंगे हम लोग चने का आटा। आपको जितना हिसाब से होना है आप उतना हिसाब से डाल दो। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल देना। अभी हम लोग आपको ये हैदराबादी प्याज पकौड़े बनाना सिखा रहे हैं। सो आज मैंने बाकी का प्रोसीड्योर बता दिया। अभी पूरा तेल गरम हो गया हम लोगों का, अभी इसमें हम लोग डाल रहे हैं। अभी बनने के बाद आपको बताती हूँ मैं कैसा दिख रहा है। इसी सेम प्रोसेस से मेरा ये जो बैटर था ना उसको हम लोग ऑयल में फ्राई कर लेंगे और कंटिन्यूअसली फ्राई होने के बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैसा बना है, और आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा बना के। गाइज ये जो फ्लेम है ना, गैस का फ्लेम, आप इसको मीडियम में रखिए, अदरवाइज हम लोगों के जो पकौड़े हैं ये जल जाएंगे। लो मीडियम फ्लेम में रखेंगे तो अच्छे होंगे और अच्छे से भुनेंगे, जलेंगे नहीं। ओके गाइज ये देखिए हमने अपना फिर सेकेंड वाला भी बैटर डाल दिया हूँ। सो इसे फ्राई होने दे रहा हूँ और जो पहले डाला था हम लोगों ने वो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसा बना है हम लोगों का प्याज पकौड़े। तो सो ऐसे ही पूरे इस बैटर को इसे ऑयल में डाल के पूरे फ्राई करके कंटिन्यूस कर लो, और आप लोग भी इसके बाद का मैं आपको बताती हूँ। ओके गाइस ये देखिए हम लोगों की पकौड़े बन के तैयार हो गए, और आप लोग भी बनाइए और खाइए और मुझे बताइए कैसा लगा। और ये आज हम लोगों का रमजान का पहला इफ्तारी है, तो सब लोगों को रमजान मुबारक, और आप लोगों को सब लोग इफ्तार कीजिए अच्छे से, और मैं आगे भी आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी। थैंक यू।